लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा गरमाने लगा है। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने राम मंदिर के मुद्दे को फिर से उछालने की तैयारी कर ली है। राम मंदिर को लेकर बीते 5 अक्टूबर को दिल्ली में VHP के संत उच्चाधिकारियों की बड़ी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें देश के करीब 40 संतों ने हिस्सा लिया था। बैठक में मंदिर के निर्माण के लिए कानून की मांग के अतिरिक्त एक विशाल जन जागरण सभा की गई। इस अभियान के तहत राज्यपाल जगदीश मुखी से मिलकर ज्ञापन सौंपने के बाद VHP के केंद्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव ने गुवाहाटी प्रेस क्लब में कहा कि राम मंदिर को लेकर भाजपा की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले 4.5 साल से राम मंदिर का इंतजार कर रहे संतों के सब्र का बांध टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामला पिछले 8 साल से लटका हुआ है। 5 अक्टूबर को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की संत उच्चाधिकारी समिति की बैठक में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनिश्चित काल के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार से कहा गया कि वो संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करें। बैठक में संतों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर कानून बनाए और जन्मभूमि हिंदू ओम के हवाले करें। इस दौरान स्पष्ट कहा गया कि जो इस बिल का विरोध करेगा देश के संत उसे उखाड़ फेंकेंगे। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।